लाइनपार चिड़िया टोला क्षेत्र में माता रानी के विशाल जगराते का आयोजन किया गया। माता रानी के विशाल जगराते में भारी संख्या में श्रद्धालु ने पहुंचकर माता रानी का गुणगान किया और जगराते के बाद माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया। ये तस्वीरें लाइन पार चिड़िया टोला क्षेत्र में माता रानी के विशाल जगराते से सामने आई हैं। माता रानी के विशाल जगराते में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता रानी का गुणगान किया और जगराते के बाद माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि लाइन पार चिड़िया टोला लक्ष्मणपुरी के क्षेत्रवासियों के सौजन्य से हर वर्ष माता रानी का जागरण का आयोजन किया जाता रहा है, मगर पिछले 2 साल से कोरोना काल के चलते माता रानी का जगराता नहीं हो सका था। मगर अब कोरोना का प्रकोप थम चुका है और ऐसे में क्षेत्रवासियों के द्वारा माता रानी का विशाल जगराता कराया गया। लाइन पार चिड़िया टोला लक्ष्मीपुरी में माता रानी का विशाल जागरण हुआ। माता रानी के विशाल जागरण के विषय में जानकारी देते हुए जागरण कमेटी के पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि लाइन पार चिड़िया टोला लक्ष्मणपुरी में ये माता रानी का जगराता कराया जा रहा है। ये जागरण हर वर्ष कराया जाता है, मगर पिछले 2 साल कोरोना के चलते जागरण नहीं हो सका था, इसलिए इस बार माता रानी का जगराता हो रहा है। ये 10वीं बार माता रानी का विशाल जागरण कराया जा रहा है और माता रानी चाहेंगी तो हर वर्ष ऐसे ही होता रहेगा। किस खुशी में क्या भैया, हर साल कराते हैं, 2 साल से नहीं करा पाएगा तो अब 3 साल। कौन सा जगराता है? ये 10वीं बार है माता रानी का जगराता। तो कार्यकर्ता भी हैं आपके? कार्यकर्ता हमारे सचिन सोनकर जी हैं, मोनू हैं, बाकी ईशु भाई हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं करा पाए? हाँ, कोरोना की वजह से नहीं करा पाए थे भैया। 10वीं बार अब हो रहा है और माता रानी चाहेगी तो हर बार होता ही जाएगा। आज रात में कैसी खुशी देखने को मिलेगी? माता रानी हर बार हमें ऐसी आशीर्वाद देती है और ऐसी जगराता नहीं रखता। वहीं इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और माता रानी की आराधना की और गुणगान किया। रात भर श्रद्धालु माता रानी की भक्ति में सराबोर नजर आए।